हेलो गाइस, आई एम रामू कुशवा। आई टीच यू फॉर क्लास 10th इंग्लिश स्टोरी चैप्टर 7 अपना मैडम राइड द बस, जिसकी राइटर है बल्ली कन्नन। और बल्ली कन्नन ने इस स्टोरी को तमिल में लिखा था और इसको ट्रांसलेट किया है अपने के एस सुधरम ने। एंड इस स्टोरी के अंदर जो कार्टून पिक्चर्स ड्रॉ हैं उनको अपने आर के लक्ष्मण जी ने इसके अंदर ड्रॉ की है, ठीक है। तो इस स्टोरी को हम पढ़ने वाले हैं एंड जैसे कि अपने चैप्टर का नाम ही लिखा है मैडम राइड द बस, मतलब है कि इसके अंदर जो मैडम है वो बस की सवारी करती है। इसके अंदर मैडम है जो बल्ली है वो इसके बस की सवारी करती है, बस उसी के नाम पर चैप्टर को चैप्टर का नाम रख दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड, मतलब है कि इसमें जो चार पांच लाइनें दी हुई उनको पढ़ लेते हैं, फिर अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर चार पार्ट्स दिए हुए हैं उनको सभी को पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि इस संवेदनशील कहानी में 8 साल की एक लड़की की और अपने गांव से बाहर की दुनिया में पहली बस यात्रा भी उसे जीवन और मृत्यु की रहस्य से परिचित कराती है। वह हमारे इस ज्ञान और मृत्यु के बारे में हमारी समझ के बीच के अंतर को देखती है कि मृत्यु है। एंड अब देखो यहां पर हमने ये पढ़ लिया, अब यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। ये अपना फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर देखो ये अपनी बल्ली खड़ी हुई है गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है और वह बस को देखती है, आते जाते हुए लोगों को भी देखती है, ठीक। तो इसमें लिखा है कि एक बल्ली नाम की एक लड़की थी जिसे स्मॉल बर्ड में या संक्षेप में एक बल्ली कहा जाता था। वह 8 साल की थी और चीजों के बारे में वह बहुत उत्सुक रहती थी। उसका पसंदीदा शगल अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर सड़क पर क्या हो रहा है यह देखना था। उसकी गली में उसकी उम्र का कोई खेलने वाला नहीं था, खेलने वाला कोई साथी नहीं था और उसे बस यही करना था। लेकिन बल्ली के लिए सामने के दरवाजे पर खड़ा होना उतना ही आनंददायक था जितना कि अन्य बच्चों द्वारा खेले जाने वाले जो खेल होते हैं। और सड़क को देखने से उसे कई नए आसमान अनुभव मिले। एंड अब नेक्स्ट है, सबसे आकर्षक बात थी वह बस जो उसके गांव और नजदीक शहर के बीच चलती थी। यह बस हर घंटे उसकी गली से बाहर होकर गुजरती थी, एक बार शहर जाती थी और एक बार वापस आती थी। हर बार नए यात्रियों से भरी बस का नजारा बल्ली के लिए अतहीन खुशी का स्रोत था। दिन ब दिन वह बस को देखती रही और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा घर कर गई और बढ़ती गई। वह उस बस में सवारी करना चाहती थी भले ही सिर्फ एक बार। यह इच्छा और भी मजबूत हो गई जब तक कि यह एक जबरदस्त इच्छा नहीं बन गई। बल्ली उन लोगों को उत्सुकता से देखती जो कोने में खड़े होते, उनके उनके चेहरे बस जब सड़क पर रुकती थी तो उस पर या उससे उतरते समय उसकी लालसाओं में जल उठते थे। बस में सवारी करने की इच्छा, सपने और उम्मीदें, अगर उसके किसी दोस्त ने आग लगा दी तो यहाँ जगाते और उसे शहर के नजारे बताने की कोशिश करते बल्ली सुनने में बहुत इसराइलु होती और अंग्रेजी में चिल्लाती प्राउड प्राउड या गर्व गर्व। ना तो वह और ना ही उसके दोस्त वास्तव में इस शब्द का अर्थ समझते थे, लेकिन वे अक्सर इसे अस्वीकृत के एक अपशब्द अभिव्यक्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। कई दिनों और महीनों तक बल्ली ने अपने पड़ोसियों और नियमित रूप से बस का उपयोग करने वाले लोगों के बीच बातचीत को ध्यान से सुना और उसने
यहां वहां कुछ विवेकपूर्ण प्रश्न भी पूछे। इस तरह उसने बस यात्रा के बारे में कई छोटी छोटी जानकारियां हासिल कर ली। शहर उसके गांव से 6 मील दूर था। किराया एक तरफ से 30 पैसे था, जो कि लगभग कुछ भी नहीं है। उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को कहते सुना, लेकिन बल्ली के लिए, जिसने 1 महीने से दूसरे महीने तक शायद इतना पैसा देखा हो, यह एक बड़ी रकम लगती थी। शहर की यात्रा में 45 मिनट लगे। जो शहर की यात्रा होती है उसमें 45 मिनट लगते। इसको मेन 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 हेडिंग कर लेना यहाँ पर। एंड शहर पहुंचने पर अगर वह अपनी सीट पर बैठी रहती और 30 पैसे और देती तो वह उसी बस से घर लौट सकती थी। इसका मतलब था कि वह दोपहर 1 बजे की बस ले सकती थी, 1:45 बजे शहर पहुंच सकती थी और लगभग 2:45 बजे तक घर वापस आ सकती थी। वह गणना करती रही, पुनः गणना करती रही, योजना बनाती रही, पुनः योजना बनाती रही। तो ऐसे अपना होता है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था कि जो अपनी बल्ली या माई यानी बल्ली है, वह सिर्फ देखती है उस बस को अपने दरवाजे के यहाँ खड़े होकर, और उस बस में सवारियों को देखती है, वह कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और उसके लिए वह देखना उतना ही आनंददायक था जितने की बच्चे साथ खेलते हैं, जो फ्रेंड 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 खेलते हैं, ठीक है, उतना ही उसके लिए उत्साहित था। एंड उसको एक बस में बैठने के लिए 45 मिनट लगते थे, बैठने में नहीं, उसके शहर से और गांव की रास्ता में, ठीक है। एंड अब चलिए अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अभी ही कर दें। एंड 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 यदि आपने ध्यान से सुना है तो आपको कमेंट में सबसे पहले तो अपने राइटर का नेम लिखना है। एंड ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखो ओरल कॉम्प्रेशन चेक क्वेश्चन आ गए। मतलब है कि पहला है कि बल्ली का पसंदीदा शक्ल क्या था, बताना है। यहाँ पर शक्ल का मैंने इंग्लिश में वर्ड मीनिंग नहीं बताया होगा, उसका मतलब होता है पास्ट टाइम, ठीक है। एंड सेकंड है कि बल्ली के लिए अनंत खुशी का स्रोत क्या था, उसकी सबसे सबसे प्रबल इच्छा क्या थी। थर्ड है कि बल्ली को बस यात्रा के बारे में क्या पता चला, उसे ये विवरण कैसे पता चले, ठीक है। तो एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि बल्ली क्या करने की योजना बना रही थी। लास्ट में मैंने कहा था कि वो प्लान प्लान बना रही, प्लान प्लान बना रही थी, ठीक है। चलिए तो अब अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा बेल, एक एक सुंदर वसंत के दिन दोपहर की बस गांव से निकलकर मुख्य राजमार्ग पर मुड़ने ही वाली थी कि सब तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। बताइए किसने आवाज लगाई होगी, जो चिल्ला रही थी बस रोको बस रोको, स्टॉप द बस, बस रोको, स्टॉप द बस, बस रोको। वह किसकी आवाज थी, वह एक छोटा सा हाथ आज्ञाकारी ढंग से उठा, बस की गति धीमी हो गई और कंडक्टर ने दरवाजे से बाहर सिर निकालते हुए कहा, तो जल्दी करो, जो भी हो उसे जल्दी आने को कहो। यह मैं हूं, चिल्ला कर बोली, यह मैं हूं, बल्ली चिल्लाई। कौन चिल्लाई, बल्ली, मुझे ही चढ़ना है। अब तक बस रुकी थी रुक चुकी थी और कंडक्टर ने कहा, ओ सचमुच आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ मुझे बस शहर जाना है, मुझे बस शहर जाना है, बल्ली ने कहा, जो अभी भी बस के बाहर खड़ी थी। और ये मेरे पैसे हैं, उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। ठीक है लेकिन पहले तुम्हें बस में चढ़ना होगा, कंडक्टर ने कहा और उसे चढ़ने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तो कहा, कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं खुद ही आगे बढ़ सकती हूँ।
आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, कंडक्टर ने कहा। कंडक्टर एक खुश मिजाज किस्म का आदमी था। वह एक कंडक्टर था, वह एक खुश मिजाज, मतलब जोकिंग जोकिंग वगैरह करता था, ठीक है, एंड मजाक करने का शौकीन था। और कृपया मुझसे नाराज मत होइए मेरी अच्छी मैडम, तो कंडक्टर ने यहाँ पर मैडम शब्द यूज कर दिया, तो उसने कहा यहाँ आगे की सीट पर बैठ जाइए मैडम, कृपया सभी लोग इस तरफ हट जाएं, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। दिन का समय था और बस में सिर्फ 6 या 7 यात्री थे। वे सभी बल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। बल्ली शर्म से चूर थी, बल्ली शर्म से क्या कह सकते हैं, साइनेंस, एंड सबकी नजरें बचाते हुए वह तेजी से एक खाली सीट पर चली गई और बैठ गई। बैठ गई फिर आगे है, ये देखो ये है पिक्चर, है एक पिक्चर किसने ड्रॉ बनाई है इसके अंदर, अपने बताओ, आर के लक्ष्मण जी ने, ठीक है। एंड इसके अंदर ये आपको दिख रहा है, ये है अपना कंडक्टर, एंड दिस ये है अपनी बल्ली और ये है सवारी, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखा है कि क्या हम अब चल सकते हैं मैडम, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर उसने 2 बार सीटी बजाई और बस गर्जना के साथ आगे बढ़ गई। यह एक नई बस थी, इसकी इसका बाहरी हिस्सा चमकदार सफेद रंग का था और किनारों पर कुछ हरी भरी धारियां थी। अंदर ऊपर मतलब ऊपरी पट्टियां चांदी की तरह चमक रही थी। बल्ली के ठीक सामने विंडशील्ड के ऊपर एक खूबसूरत घड़ी लगी हुई थी। सीटें नरम और आरामदायक थी। बल्ली ने अपनी आंखों से सब कुछ निगल लिया, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने पाया कि उसकी नजर खिड़की के निचले हिस्से पर लगे कैनवास के पर्दे से कट गई थी, इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से झांकने लगी। बस अब नहर के किनारे किनारे जा रही थी। सड़क बहुत संकरी थी, एक तरफ नहर थी और उसके पार ताड़ के पेड़, घास के मैदान, दूर दूर तक फैले पहाड़ और नीला नीला आसमान, दूसरी तरफ गहरी खाई थी और फिर एकड़ों एकड़ तक फैली हुई हरे भरे खेत, जहां तक नजर जाती थी हरे भरे हरे भरे। ओ यह सब कितना अद्भुत था। अचानक एक आवाज सुनकर वह चौंक गई। सुनो बच्चे, आवाज ने कहा, तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं रहना चाहिए, बैठ जाओ, सिट डाउन। बैठकर उसने देखा कि किसने बात की है। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो ईमानदारी से उसके लिए चिंतित था, लेकिन वह उसके ध्यान से नाराज थी। यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, उसने घमंड से कहा, मैंने हर किसी की तरह अपने 30 पैसे चुका दिए हैं। कंडक्टर चिल्लाया, ओ सर, लेकिन यह एक बहुत बड़ी मैडम है, क्या आपको लगता है कि एक साधारण लड़की अपना किराया खुद चुका कर अकेले शहर तक यात्रा कर सकती है? बल्ली ने कंडक्टर पर क्रोध भरी दृष्टि डाली और कहा, मैं मैडम नहीं हूं, कृपया इसे याद रखें, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। मुझे याद रहेगा, कंडक्टर ने उसके स्वर की नकल करते हुए कहा। सभी लोग हंसे और धीरे धीरे बल्ली भी हंसी में शामिल हो गई। कंडक्टर ने एक टिकट मुक्का मारा और उसे दे दिया। बस आराम से बैठें और अपने आप को आरामदायक बनाएं। जब आपने सीट के लिए भुगतान कर दिया है तो आप
को खड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं चाहती हूं, उसने खड़े होकर उत्तर दिया फिर से ऊपर। लेकिन अगर आप सीट पर खड़े हैं तो बस को तीखा मोड़ लेना लेने या किसी टक्कर से टकराने पर आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाएं। बच्चे, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं तुमसे कहती हूं, उसने चिढ़कर कहा। मैं 8 साल का हूं या 8 साल की हूं? बेशक, बिल्कुल, मैं कितना मूर्ख हूं। 8 साल मेरे बस रुकी और कुछ नए यात्री चढ़े और कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अपनी सीट खोने का डर है। आखिरकार बल्ली बैठ गई। एक बुजुर्ग महिला उसके पास आकर बैठ गई। क्या तुम बिल्कुल अकेली हो प्रिय? जैसे ही बस फिर से चलने लगी उसने बल्ली से पूछा। बल्ली को वह स्त्री बिल्कुल घृणित सी लगी। उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे और उनमें इतनी बदसूरत बल्लियां थी। और वह उस सुपारी को सूंघ सकती थी और वह उस सुपारी को सूंघ सकती थी जिसे महिला चबा रही थी, और उसमें पान का रस भी देख सकती थी। किसी भी क्षण उसके होठों पर छलकने की धमकी दे रहा था। ओ, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन मिलनसार हो सकता है? हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूं, उसने रुकेपन से उत्तर दिया, और मुझे टिकट भी मिल गया। यहाँ वह शहर जा रही है, कंडक्टर ने कहा, 30 पैसे के टिकट के साथ। ओ, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? बल्ली ने कहा। लेकिन वह फिर भी हंसी और कंडक्टर भी हंसा। लेकिन बुढ़िया अपनी गाड़ी चलाती रही। क्या इतने युवा व्यक्ति के लिए अकेले यात्रा करना उचित है? क्या तुम्हें पता है कि तुम शहर में कहाँ जा रहे हो? सड़क कौन सी है? घर का नंबर क्या है? तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। बल्ली ने खिड़की की ओर अपना चेहरा घुमाते हुए और बाहर की ओर देखते हुए कहा। तो यहाँ पर अपने हमने दो पार्ट्स पढ़ लिया। अब यहाँ पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आ गए। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कंडक्टर बल्ली को मैडम क्यों कहता है, ठीक है? एंड सेकंड है कि बल्ली सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है और वह अब यह क्या देखती है। थर्ड है कि जब बल्ली बुजुर्ग व्यक्ति को बच्ची कहकर बुलाता है तो वह उसे क्या कहती है, ये तो आपको पता ही होगा। एंड फोर्थ है, बल्ली बुजुर्ग महिला से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी, ठीक है? चलिए अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। उसकी पहली यात्रा के लिए उसने कितनी सावधानी पूर्वक श्रम साध्य को विस्तृत योजनाएं बनानी पड़ी। उसके पास जो भी सिक्के थे उसने खिलौने खरीदने की हर प्रलोभन से विरोध करना पड़ा, और विरोध कर करके उसने पैसे बचाए एंड गुब्बारे वगैरह, और आखिरकार उसने कुल 60 पैसे बचा लिए। ऐसे ही एक बच्चे के लिए पैसे बचाना बहुत इम्पॉसिबल होता है, तो इसने सावधानी पूर्वक उसने 60 पैसे बचा लिए। यह कितना कठिन था, विशेष रूप से उस दिन गांव के मेले में। लेकिन पैसे होने के बावजूद उसने हिंडौल में सवारी करने की तीव्र इच्छा को दबा दिया था। जब उसके पास पर्याप्त पैसा जमा हो गया तो उसकी अगली समस्या यह थी कि वह अपनी माँ की जानकारी के बिना घर से कैसे बाहर निकले। लेकिन उसने बिना ज्यादा कठिनाई के इसे प्रबंधित कर लिया, और हर दिन दोपहर के बाद उसकी माँ लगभग 1 बजे से 4 बजे तक झपकी लेती थी, बल्कि हमेशा इन
वल्ली हमेशा इन घंटों का उपयोग अपने भ्रमण के लिए करती थी, क्योंकि वह अपने घर के दरवाजे से खड़ी होकर देखती थी, या कभी-कभी गांव में भी निकल पड़ती थी। आज उन्हीं घंटों का उपयोग गांव के बाहर उसके पहले भ्रमण के लिए किया जा सकता है। बस अब एक नंगे परिदृश्य को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी, तो अब एक छोटी सी बस्ती उसे होकर गुजर रही थी, या एक अजीब सड़क के किनारे की दुकान से होकर गुजर रही थी। कभी-कभी ऐसा लगता है कि बस उनकी ओर आ रही है, या दूसरे वाहन या सड़क पार कर रही है, किसी पैदल यात्री को चपेट में ले लेगी, लेकिन किसी तरह सभी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए यह आसानी से आगे बढ़ गई। पेड़ उनके ओर दौड़ते हुए आए, लेकिन फिर जैसे ही बस उनके पास पहुंची रुक गए और दूसरी दिशा में भागने से पहले सड़क के किनारे एक पल के लिए असहाय होकर खड़े रहे। अचानक वल्ली ने खुशी से ताली बजाई। एक युवा गाय हवा में ऊंची करके सड़क के ठीक बीच में बस के ठीक सामने पहुंच बहुत तेजी से दौड़ रही थी। बस के सामने बस धीरे धीरे रेंगने लगी और ड्राइवर बार बार जोर से हॉर्न बजाता रहा, लेकिन जितना अधिक वह हॉर्न बजाता था, जानवर उतना ही भयभीत हो जाता था, और वह हमेशा बस के ठीक सामने तेजी से सरपट से दौड़ता था। जैसे आप इसमें इमेज में देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये बस है अपनी, एंड ये काव है, ठीक है, जो रनिंग कर रही है अपनी बस बस से। एंड फिर है किसी तरह बल्ली के लिए यह बहुत मजेदार था। वह तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आए। अरे महिला, क्या आप पर्याप्त नहीं हंसी? कंडक्टर को बुलाया, बेहतर होगा कि कल के लिए कुछ बचा कर रखें। आखिरकार गाय सड़क से हट गई और जल्द ही बस एक रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। दूर से रेलगाड़ी का एक टुकड़ा देखा जा सकता था, जो पास आते आते बड़ा होता जा रहा था। फिर वह बस को हिलाते हुए जबरदस्त गर्जना और खड़खड़ाहट के साथ क्रॉसिंग गेट के पार चली गई। फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन पार कर गई। वहां से इसने एक व्यस्त यात्रा तय की। अच्छी तरह से बनाई गई खरीदारी सड़क और मुड़ते हुए एक व्यापक मार्ग में प्रवेश किया। इतनी बड़ी चमकीली दिखने वाली दुकानों, कपड़ों और अन्य वस्तुओं का क्या शानदार प्रदर्शन! इतनी बड़ी भीड़! आश्चर्य से स्तब्ध होकर बल्ली सब कुछ देखकर अचंभित रह गई, मतलब आश्चर्य रह गई। और फिर बस रुकी और बल्ली को छोड़कर सभी लोग उतर गए। अरे महिला, कंडक्टर ने कहा, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं है? यह उतना ही जितना आपके 30 पैसे आपको ले जाते हैं। नहीं, बल्ली ने कहा, मैं इस बार से वापस जा रहा हूँ, या जा रही हूँ, अब मैं वापस जाऊंगी, ठीक है। एंड फिर उसने अपनी जेब से 30 पैसे और निकाले और सिक्के कंडक्टर को दे दिए। क्या कुछ बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, बस घूमने का मन हुआ, बस इतना ही। अब जब आप यहाँ तक हैं, तो क्या आप दर्शनीय स्थलों को दिखाना नहीं चाहते? अकेले ही? ओ, मैं तो बहुत ज्यादा डर जाऊंगा। लड़की के बोलने के तरीके से बहुत खुश होकर कंडक्टर ने कहा, लेकिन तुम्हें बस में आने से डर नहीं लगा? इसमें डरने की कोई बात नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं, उसने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तो क्यों ना उस दुकान पर जाकर कुछ पी लिया जाए, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। ओ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ला ला लाता हूँ। नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, बस
मुझे मेरा टिकट दे दो, बस इतना ही। यह मेरी दावत होगी और इसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं, उसे दृढ़ता से कहा, कृपया कोई कंडक्टर ने कंधे उचकाए और वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि बस की वापसी यात्रा शुरू होने का समय नहीं हो गया। फिर ज्यादा यात्री नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि बल्ली माई यहाँ तक बाजार तक कैसे आ गई। ठीक है, बस में बैठते बैठकर यहाँ पर कैसे उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, 60 पैसे कैसे कलेक्ट किए, उसमें से 30 पैसे आने में खर्च हुआ। ठीक है, अब उसके 30 पैसे जाने में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ओरल कॉम्प्रेशन चेक क्वेश्चन आ गए। पहले में पूछा है कि वल्ली ने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए, तो आपको कुछ पता ही है। क्या यह उसके लिए आसान था? आसान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, सेकंड है कि वल्ली ने रास्ते में क्या देखा और जिससे वह हंस पड़ी थी। एंड थर्ड है कि वह बस स्टेशन पर बस से क्यों नहीं उतरी। ठीक है, क्योंकि उसे फिर वापस जाना था। ठीक है, चौथा है कि वल्ली स्टॉल पर जाकर कोल्ड ड्रिंक थी वह क्यों नहीं पीनी चाहती थी, और यह आपको आपको उसके बारे में क्या पता था। तो यहाँ पर अपना ये पार्ट खत्म। अब यहाँ पर चौथा स्टार्ट होता है, फोर्थ। अब फोर्थ में क्या लिखा है कि चलिए क्या लिखा है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? कंडक्टर ने पूछा कि उसने लड़की को उसका टिकट कब दिया? नहीं, कोई भी नहीं पूछा, कोई भी मुझे नहीं ढूंढेगा, उसने कहा। बस चल पड़ी और फिर वही अद्भुत नजारे थे। बल्ली जरा भी उबी नहीं थी और हर चीज का स्वागत उसी उत्साह के साथ करती थी जैसा उसने पहली बार महसूस किया था। लेकिन अचानक उसने सड़क के किनारे एक युवा गाय को मृत अवस्था में देख लिया। सेट एंड ठीक उसी स्थान पर जहां किसी तेज गति से आए रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। क्या वह यही गाय नहीं है? क्या यह वही गाय नहीं है जो सामने से दौड़ दौड़ी थी शहर की हमारी यात्रा पर बस? उसने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिलाया, यही, और वह उदासी से उबर गई। जो कुछ समय पहले एक प्यारा सुंदर प्राणी था और वह अब अचानक अपना आकर्षण और जीवन खो चुका था और बहुत भयानक लग रहा था। इतना भयावह है कि वह वहां लेटा हुआ था, पैर फैले हुए थे, उसकी बेजान आंखों में एक स्थिर दृष्टि, हर तरफ खून, बस आगे बढ़ गई। मरी हुई गाय की याद उसे परेशान कर रही थी और जिससे उसका उत्साह कम हो गया। वह अब खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी। वह इसी तरह अपनी सीट से चिपकी बैठी रही जब तक कि बस उसके बस 3:40 पर उसके गांव नहीं पहुंच गई। वह उठ खड़ी हुई और खुद को फैलाया। फिर वह कंडक्टर की ओर मुड़ी और बोली, ठीक है सर, आशा है कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है मैडम, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब भी आपका बस में सफर करने का मन हो, आए और हमारे साथ शामिल हो जाएं और अपना किराया लाना ना भूलें। वह हंसी और बस से नीचे कूद पड़ी। फिर वह चली गई सीधे घर के लिए दौड़ती हुई। जब वह अपने घर में दाखिल हुई तो उसने पाया कि उसकी माँ जाग रही है और वल्ली की यह मौसी जो कि साउथ स्ट्रीट से है बात कर रही है। यह चाची सचमुच बक बक थी। एक बार बात शुरू करने के बाद मुंह बंद नहीं करती थी। और तुम कहाँ थे? जब वल्ली अंदर आई तो उससे पूछा, और तुम कहाँ थे? उसकी चाची ने कहा, और तुम कहाँ थे? ठीक है, और फिर, और वह उत्तर की उम्मीद ना करते हुए बहुत ही लापरवाही से बोली। तो बल्ली उस पर मुस्कुरा दी और उसकी माँ और चाची अपनी बातचीत में लग गई। हाँ, आप ठीक कह रही हैं,
उसकी माँ ने कहा, हमारे बीच में और बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, हम हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं? और जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो हम अक्सर इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ओ हाँ, वल्ली ने सांस ली। क्या? उसकी माँ से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? ओ, वल्ली ने कहा, हमारी जानकारी के बिना हो रही घटनाओं के बारे में आपने जो कहा, मैं उसी सहमत हो रहा था। क्या हो रही थी? वह बिल्कुल एक लड़की की तरह है, उसकी चाची ने कहा, और फिर भी देखो वह कैसे हमारी बातचीत में अपनी नाक घुसाती है, जैसे कि वह एक वयस्क महिला हो। बल्ली मन ही मन में मुस्कुराई। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसकी मुस्कुराहट को समझे, लेकिन फिर वहां बहुत कुछ नहीं था। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। यहाँ पर अपनी स्टोरी होती है समाप्त, ठीक है? एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो राइटर के नेम लिखे हैं, जो के एस सुंदरम है, इसे तमिल से ट्रांसलेट किया गया, एंड इसमें जो पिक्चर्स और कार्टून्स है वो किसने लिखे हैं, आर के लक्ष्मण जी ने, ठीक। तो यहाँ पर अपनी स्टोरी होती है समाप्त। आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी। बिल्कुल, यदि आपको ये स्टोरी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल को लाइक जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर करें। और बस इतना ही, अभी तक आप देख रहे हैं तो कमेंट में आपको राइटर का नेम जरूर लिखना है, तीनों राइटर के नेम लिखने डैश कर करके नीचे, ठीक है?